पीएम की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? झूठ का है, लगातार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, बिना सिर पैर की बातें करो और ऐसे ही हवा को खराब करते रहो। और आजकल तो आपने देख रहे हैं कांग्रेस के लाउडस्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनका करंट भी ऐसा लग रहा है पूरी तरह कमजोर हो गया है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है और पिछले 10 साल में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी विफल रही है। उनका अधिकतर समय झूठबाजी में, लड़ाई करने में, एक दूसरे का हिसाब चुक्का करने में यही खपा रहा है। जो पार्टी 10 साल तक जनता के विषयों से बिल्कुल ही अलिप्त रही हो, या तो अपने परिवार के लिए जिए वो, या तो अपने गुट के लिए जिए, वैसे लोग हरियाणा की जनता का विश्वास कभी भी नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस की आंतरिक कलह इससे हरियाणा का बच्चा बच्चा परिचित है, लेकिन हमारी रणनीति उनके कलह पर सुख चैन से बैठने की नहीं होनी चाहिए। वो अपने मौत मरने ही वाले हैं, लेकिन हमें तो अपने परिश्रम से अपना झंडा गाड़ना है। हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी है। और मैंने तो हमेशा देखा है हरियाणा की जनता इतनी सूझबूझ वाली जनता है, आजादी के बाद इतने सालों में हरियाणा की जनता ने एक बात की चिंता हमेशा की है, वो मानते हैं कि हरियाणा का विकास बेरोक टोक तेज गति से आगे बढ़ाना है तो दिल्ली में जिसकी सरकार हो उसके साथ रहना है। ये हरियाणा ने पिछले 7 दशक लगातार किया है। इस बार भी मैं देख रहा हूं वो दिल्ली भाजपा सरकार के साथ ही कदम से कदम मिलाकर के हरियाणा को हिंदुस्तान का नंबर 1 बनाने के लिए हरियाणा की जनता कृत संकल्प है। और इसलिए हमें जनता की इस भावना का आदर करते हुए, जनता के आशीर्वाद माथे चढ़ाते हुए अपनी ताकत पोलिंग बूथ में लगानी है। और मुझे पक्का विश्वास है, और साथियों मुझे 2 बार इस चुनाव में अभी हरियाणा आने का मौका मिला, मैं हैरान था जी, जो उमंग, जो उत्साह, जो जोश और सामान्य नागरिकों का जोश, ये वाकई तारीफ करने जैसा था। और मेरा पक्का विश्वास बन गया, और मैं ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं हरियाणा के में धरती पर काम कर करके निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, और मेरा पक्का विश्वास बना है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देना तय कर लिया है, क्योंकि उनको खुशी है कि 10 साल में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाना ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। हरियाणा के नौजवानों को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार मिलना ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। और इसलिए हरियाणा की जनता हमारे साथ है, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, और मैं पक्का कहता हूं साथियों, विजय निश्चित है। आपको मैं आने वाला अब 1 हफ्ता आपके पास बचा है, पूरा हफ्ता पूरी ताकत पोलिंग बूथ के एक एक परिवार पर लगाइए, एक एक घर के लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनका मतदान हो जाए, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी
मतदान हो जाए और पूरी ताकत बूथ पर झोंक दीजिए, बगल वाले बूथ में क्या हो रहा है इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मीडिया वाले क्या लिखते हैं इसकी मीडिया चिंता छोड़ दीजिए, कांग्रेस वाले क्या झूठ फैलाते हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए, बस आप एक ही संकल्प लेकर के मैं जी जान से बूथ जिता करके रहूंगा, मेरा बूथ जीत करके ही मैं रहूंगा, और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक बूथ जिताने की जिम्मेवारी न ले। हमारे लाखों मेंबर हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, और हमें पूरी शक्ति से लगना है। साथियों, मैं ज्यादा बात लंबी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा तो पक्का विश्वास है कि सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है, और पूर्ण बहुमत के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार बन रही है। अब मैं आप ही को सुनना चाहूंगा, आइए सबसे पहले हमारे साथ कौन बात करेंगे? नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से कौन बोल रहे हैं? भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार रणवीर सिंह वर्तमान में। रणवीर जी नमस्ते भैया। हाँ जी नमस्ते जी, मैं वर्तमान में बुआनीखेड़ा विधानसभा में परसी मंडल का महामंत्री बोल रहा हूँ। मैं 2014 में, आप तो किसान भी है और जवान भी है जी, मैं 2014 में, और भी बताइए ना अपने विषय में। मैं 2014 में आपकी रिवाड़ी रैली में शामिल हुआ, जहां आपने ये बात है, जहां आपने ओआरओपी देने की घोषणा की थी जी, वहीं से मुझे भाजपा से जुड़ने की प्रेरणा मिली थी। रणवीर जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे वीर माता के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपने सेना में रह करके भी देश की सेवा की और अब राजनीति में आकर के भी देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा रणवीर जी, अब बताइए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, मुझे पक्का विश्वास है आप तो एक फौजी हैं तो बिल्कुल नियम से पद्धति से काम करते होंगे, घर घर जाते होंगे, तो मुझे जरा जानना है कैसे काम करते हैं आप, दिन भर कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी, हरियाणा का चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है, जनता हमें पूरे मन से आशीर्वाद दे रही है, हम घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं। इसके लिए सुबह और शाम को 4 बजे के बाद का समय तय है, दिन में बैठकें और पार्टी के अन्य काम हो रहे हैं, हालांकि चुनाव नजदीक हैं तो रात तक बैठकें चल रही हैं, लेकिन जनता भी हमारा खूब साथ दे रही है। लोग हरियाणा में कांग्रेस के शासन की बातें बताते हैं और भाजपा की तारीफ करते हैं, जो लाभार्थी हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वो फिर से बीजेपी की सरकार चाहते हैं, लोगों का आप पर बहुत भरोसा है और उन्हें ये विश्वास है कि जब तक आप उनके साथ हैं उनका अहित नहीं हो सकता। रणवीर जी, आपकी बातें बीजेपी के सारे कार्यकर्ता सुन रहे हैं, मेरा तो उत्साह बढ़ ही रहा है, लेकिन उन लाखों कार्यकर्ताओं का भी उत्साह भर रहा है। लेकिन क्या आप लोग जब घर घर जाते हैं तो 5-10 कार्यकर्ताओं की टोली निकलती है कि अकेले निकलते हैं? 10-12 कार्यकर्ताओं एक साथ जाते हैं, उसमें हमारी माताएं बहनें भी होती है साथ में कि माताएं बहनों की टोली अलग निकलती है? वो अलग निकलती है सर। हाँ, लेकिन क्या घर के बाहर खड़े खड़े लेकर करके बात करते हैं कि अंदर घर में जाके बैठ करके
उनके घर से पानी वानी पिया, आराम से बात की, ऐसा करते हैं आप लोग? हर घर में दो मिनट लगाते हैं, अंदर बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे के घर के लिए चलते हैं पानी वानी पीने के। देखिए, मेरा आग्रह है कि आप लोग जब निकले तो एक मानो 12-15 लोग है तो तीन तीन लोग एक घर में जाकर के बैठिए, पांच घर में एक साथ बैठिए और बैठ करके 5-7-10 मिनट उनके सुख दुख पूछिए और उनको हमारे सफलता की बातें बताइए और पोलिंग बूथ में जीतने के लिए वो क्या मदद कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते तो हैं कि हमें तो भाजपा चाहिए, लेकिन अगर भाई छुट्टी मिल गई तो फिर छुट्टी पर कई रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, तो सब लोग रहे ये बात समझाना पड़ता है। और इस बार तो मैंने जो हरियाणा बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, इतना शानदार संकल्प पत्र है और इतना जिम्मेवारी वाला संकल्प पत्र है, उसकी एक एक चीज हर परिवार में बैठ करके उनको समझाना चाहिए कि देखिए इस योजना से आपको क्या लाभ होगा। हमें सिर्फ प्रचार करना ऐसा नहीं है, प्रचार तो करना ही है, लेकिन उसके मन को जीतना है। और एक बार अगर उसका मन जीत लेते हैं तो मत जीतना तो बहुत आसान हो जाता है। तो उस प्रकार से बात करते हैं सब लोग? हाँ जी, उसी प्रकार से बात करते हैं जी। जैसे उनका मन को जीतना बहुत जरूरी है, तभी वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। उनके परिवार से भी एक बंदा हमारे साथ चलने के कहता, चलो हम भी आपके साथ हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि उस परिवार का व्यक्ति भी फिर आगे प्रचार में जुड़ जाता है। हाँ जी, भारत सरकार की योजनाओं का जो बेनिफिट मिला है उसको भी उनको याद कराना चाहिए। याद कराते हैं जी, जैसे लखपति दीदी योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। बहुत बहुत अच्छा है रणबीर जी, आप तो बिल्कुल आपकी बातों से लगता है कि आप सचमुच में धरती पर बराबर डटे हुए नेता है। इतनी बारीकी से आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपको तो मालूम है पीएम सूर्यघर, हर घर मुफ्त बिजली योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है। आज हम इस दिशा में चल रहे हैं कि हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो जाए, और इस काम के लिए भारत सरकार 80,000 रुपया दे रही है। और अब तो मैंने देखा है कि हरियाणा बीजेपी ने भी घोषणा की है कि सरकार बनने के बाद वो भी उसमें कुछ जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि घर की जरूरत तो बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो अतिरिक्त जो बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। और अगर सरकार खरीदती है तो, मैंने अभी गुजरात में गया था तो ऐसे क्षेत्र में गया था, ये पीएम सूर्यघर योजना कैसे काम कर रही है देखने के लिए, तो मुझे गर्व से बताते थे कि हमारा 25-30 हजार रुपया साल भर का बच जाएगा। तो मैंने कहा भाई 25-30 हजार रुपया बचेगा तो अगर बेटी आपकी छोटी है तो बेटी के नाम पर बैंक में रख दोगे तो आपको 20 साल में, बेटी जब 20 साल की होगी तो 10-12 लाख रुपए मिल जाएगा। ये ऐसी योजना है जो बिल्कुल फायदा ही फायदा करने वाली है। तो ये बात सबको आपको बतानी चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा जी। आयुष्मान योजना का लाभ हो रहा है वहाँ? हाँ जी, आयुष्मान योजना का लाभ हो रहा है, आयुष्मान कार्ड का बहुत लाभ हो रहा है जनता में। जनधन योजना का गरीबों के बैंक में जो अकाउंट खुलवाए थे आपके ने इस जनधन योजना के थ्रू, उससे जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, उनके अकाउंट में सीधे पैसे जाते हैं। जबकि एक टाइम था कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया ऊपर से चलता था, गरीब के पास 15 पैसे ही पहुंचते थे। हाँ, वो तो खुद प्रधानमंत्री स्वीकार करते थे उनके। हाँ जी, देखिए आप एक बात जरूर बताना, अब तो 70 साल के ऊपर के परिवार में जो भी लोग हैं, हाँ जी, उनकी बीमारी में खर्च भारत दिल्ली सरकार करने वाली है, भाजपा की केंद्र सरकार करने वाली है, यानी हर परिवार का 70 से ऊपर के
जो भी माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी होंगे उन सबके इलाज का जिम्मा अब उनके बच्चों को नहीं उठाना पड़ेगा, ये खर्च भी अब सरकार उठाएगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा है और मैं तो मानता हूँ आपके पोलिंग बूथ में 70 से ऊपर से ऊपर की उम्र के जितने लोग हैं उनको एक बार इकट्ठा कीजिए, उनको समझाइए और हो सके तो इन 70 से ऊपर के लोगों का एक जुलूस निकालिए जी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा जी सर। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस से उस परिवार की बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, परिवार अपने खर्चे बच्चों के लिए खर्च कर सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता है, कोई चीज खरीद दिए तो ले सकता है। रणवीर जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप तो युद्ध के मैदान में रहे हुए व्यक्ति हैं और आज पोलिंग बूथ जीतने का आपने मोर्चा संभाला है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से हमारा पोलिंग बूथ विजयी होगा और अद्भुत अभूतपूर्व विजय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और वहां सब कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार भी जरूर कह देना। पहले तो मैं रेगुलर आता था उस इलाके में, अब आप लोगों ने मुझे काम ऐसा दे दिया कि मैं तो नहीं आ पाता हूँ लेकिन मेरे नमस्कार कहिए। आइए अब और कौन है, अगले कार्यकर्ता कौन है मेरे साथ बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं कमलेश चौरान वाडड़ा विधानसभा। कमलेश जी नमस्ते। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप कहाँ से हैं? मैं बाडड़ा विधानसभा से हूँ। अच्छा, महेंद्रगढ़ के इलाके में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, पहले तो हम महेंद्रगढ़ बहुत आना जाना होता था, अब तो हमारा आना भी बहुत कम हो गया है। कमलेश जी मैं सुनना चाहता हूँ आपके विषय में भी और आपके कार्य के विषय में भी। मैं एक काफी शहीद, मैं मेरे हस्बैंड शहीद हुआ था कारगिल की लड़ाई में 1999 में, और मैं कमलेश चौरान। कमलेश जी सबसे पहले तो मैं हरियाणा के सपूत शहीद राजवीर जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और आपने उनके सपनों को साकार करने के लिए जो बीड़ा उठाया है और समाज सेवा के लिए आप निकली हैं, ये आप सचमुच में बहुत प्रेरणा देने वाला आपका जीवन है। मैं आपको आदर से प्रणाम करता हूं, आपके परिवार को प्रणाम करता हूं। आप तो जानते हैं हरियाणा में भाजपा सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, तो आप लोगों में जाते हैं तो क्या अनुभव आता है? मैं हर घर में जाके महिलाओं से मिलती हूँ और मैं दादरी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। मैं हर घर में जाके महिला से मिलती भी हूँ और उनकी समस्या भी पूरी भी हूँ और उनको योजना के बारे में सबको समझाती भी हूँ। कमलेश जी आप तो जानती हो मैं बहुत बड़ा भाग्यवान रहा हूँ कि मुझे माताओं बहनों के अपार आशीर्वाद मिलते रहे हैं। हरियाणा ने तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दिए हैं, बस माताओं बहनों को जिनको भी मिलो ना तो मेरा एक काम जरूर करना, उनको कहिए कि मोदी जी का फोन आया था और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम जरूर कह देना हर घर में करेंगे। मैं हर घर में जाती हूँ और आपको जय सियाराम। हर घर में मैं पहली बार जाके आपकी बताती हूँ, महिला से मिलती हूँ
पांच सात लेडीज हम एक साथ एक घर में जाते हैं, उनको पानी पीते हैं, पूरी योजना के बारे में समझाते हैं, जो बुजुर्ग महिला से उनको भी पूरी योजना की, और जो आयुष्मान भारत ये है हॉस्पिटल का कारण, इसके बारे में भी पूरी योजना के तहत समझावा सा, और महिला का आरक्षण के बारे में भी समझावा सा। 33% आरक्षण महिला दिया गया से, और महिला और जो जो सुविधा मिली गई से उनसे भी बात करा सा। मकान दिया गया से, सिलेंडर दिया गया से, और ये राशन फ्री मिल रहा से। महिला बहुत खुश थी और ये बोल रहे हैं हम भाजपा सरकार हमारे बहुत खुश है उससे, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बहुत महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहा से, और आगे भाजपा ही आनी चाहिए। देखिए अगर संभव हो, अभी 5-6 दिन है, तो हर दिन 50-50 लोगों का एक छोटा 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 सम्मेलन, दिन में तीन चार सम्मेलन अगर करें और उसमें अच्छे ढंग से बात करें, और खास करके हमारी जो युवान बेटियां हैं उनसे बात करें, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और उसी प्रकार से सरकार की तरफ से जो लाभ मिला है, कई परिवार है जिनको पक्का घर मिला होगा, किसी के अंदर नल आया होगा, किसी के जो टॉयलेट बना होगा, किसी के घर में बिजली का कनेक्शन आया होगा, मुफ्त अनाज तो करीब करीब सब परिवारों को मिलता होगा। ये बातें अगर उनके साथ उनके मुंह से करवाएंगे कि भाई आपको क्या क्या मिला है बताइए, महिला सब जो भी सुविधा उनको मिली है, जो भी चीज मिली है, वह महिला बहुत खुश से और वो खुशी होके बतावे हैं, और बुढ़ी औरत से वह भी महिला है, वह भी बहुत खुश से आके जो प्रधानमंत्री हमारे बुढ़ापे की रखी है, बुढ़ापे में पूरी पहले एक एक पैसे खातर बेटे के पास से और उनके पास से करती थी, ये बोली 3,000 रुपया मेरे खाते में आ जा से, तो मैं खुल के खर्च कर लेती हूँ, कोई किसी की पैसे की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री है इतने हमको कोई चिंता की जरूरत नहीं। कमलेश जी आपको इतनी सारी जानकारियां हैं और वहाँ अभी इतनी लोगों से मिलती है, मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। देखिए आज अगर देश में सबसे अधिक पेंशन कोई देता है तो हमारा हरियाणा की भाजपा सरकार देती है, और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन पाने के लिए पहले तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, महिलाएं अफसरों की मिन्नत करती करते रहती थी, कभी कभी तो रिश्वत लेने वाले भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ऐसा सारा ऑनलाइन सिस्टम बनाया, सीधा पेंशन उनके खाते में चला जाता है, और अब दफ्तरों के चक्कर खाना बंद हो गया, कोई अपमानित करने के जो पहली घटनाएं घटती थी वो भी खत्म हो गई, मान सम्मान भी बना रहा, तो ऐसे बहुत सारे काम आज भाजपा सरकार ने किए हैं, और उसके कारण महिलाओं का एक विश्वास भी पैदा हुआ है। सभी महिला बहुत खुश थे और आपको बार बार कहती हैं जय श्री राम, और महिला सब आपकी योजना से। बस हमारा हरियाणा तो राम राम से शुरू होता है और जय श्री राम का जय जयकारा करता है, और ये जो नारा है ना, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, ये हमारी माताओं बहनों ने ही दिया है। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें बहुत जागरूक और समझदार हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस की असलियत क्या है, आपको बस अपनी योजनाओं को और अच्छे तरह से उन्हें समझाना है, ताकि उनका विश्वास वोट बनकर बीजेपी के साथ जुड़े और कमल के निशान पर वो बटन दबाए। तो कमलेश जी आपने जीवन में तो बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आपका जीवन सचमुच में हम भाजपा कार्यकर्ताओं को भी और हरियाणा के लोगों को भी प्रेरणा देने वाला है। मेरी तरफ से मैं एक पेट्रोल पंप बनाऊं जो बीजेपी सरकार ने 1999 में मेरे पेट्रोल पंप अलॉटमेंट किया था,
मैं चलाऊं सु, मेरे बच्चा का पालन पोषण बहुत बढ़िया तरह से कर रखा है। एक बेटा डॉक्टर है, एक एग्रीकल्चर में है। वाह वाह वाह, ये सुन करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए अब मेरे साथ और कौन जुड़ रहा है, कहाँ से जुड़ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, राम राम। राम राम, राम राम। मेरा नाम मुकेश सैनी है जी, मैं जिला जींद। मुकेश जी नमस्ते। मेरा जिला जींद से बोल रहा हूँ जी, हल्का जुलाना से, राम राय मंडल अध्यक्ष जी। मेरी राम राय छोटी सी चाय की दुकान है जी, अड्डा पे, जहाँ अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चाय बना के गए थे जी। अच्छा अच्छा, यही मुकेश जी है? जी जी भाई। हाँ, मैं कल भी तो आया था आपके यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत भीड़ थी। मुकेश जी, अच्छे अच्छे लोग आपके यहाँ चाय बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे सुना है आपको तो मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी दोस्ती है। हाँ जी, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा प्यार है जी उनका। देखिए भाई, मैं भी चाय वाला रहा हूँ, तो मैं भी तो आपका भाई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हमारा तो सौभाग्य है जी, मेरा तो। अच्छा मुकेश जी, बताइए। हाँ जी, मैं जरा जानना चाहता हूँ, कल की सोनीपत की सभा तो बड़ी जबरदस्त थी भाई, और मैं तो देख करके आया, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आपने जैसे विजय पक्का कर लिया है। हाँ, लेकिन जी, हाँ जी। मुझे पोलिंग बूथ जीतना है जी, चुनाव हाँ जी। तो जीतना था, पक्का कर लिया हरियाणा ने। हाँ जी, मुझे कार्यकर्ताओं से मेरी एक ही मांग है बस। हाँ जी, पोलिंग बूथ जीत करके लाओ, मैं कार्यकर्ता हाँ से और कुछ नहीं मांगता हूँ। ठीक है जी, सभी जीतेंगे जी। अच्छा मुकेश जी, जरा बताइए ना वहाँ के कैसा है, आप तो आपके यहाँ तो चाय का दुकान है तो इतने लोग आते होंगे, नौजवान आते होंगे, दुनिया भर की बातें सुनने को मिलती होगी, आपसे भी हाँ बहुत कुछ पूछते होंगे, और आप तो मुख्यमंत्री के मित्र हैं, तो जरा और भी आपके साथ बातें बहुत करते होंगे। हाँ जी, अपनी जैसे चाय की दुकान है अड्डा पर जी, वहाँ बस स्टैंड पर है, जहाँ पर बच्चे कॉलेज जाते हैं, वह बैठ कर बताते हैं भाई, हम जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जो कांग्रेस में, उनको पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर डाका डाला गया है, और लोगों को पता भी है कांग्रेस की सरकार में यहाँ कोई विकास नहीं होगा जी, इसलिए लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं जी। और हरियाणा में आने वाली अब पर्ची और खर्ची वाला राज नहीं चलेगा जी, इसलिए लोग बीजेपी के साथ हैं जी। नौजवान कहते हैं जी, जहाँ जाते हैं वहाँ खूब वादा करते हैं, फिर लोग इनके ऑफिस में ये कांग्रेस वाले बाहर धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं जी, झूठ बोलकर। कांग्रेस वाले तो अपने परिवार के लिए ही जीते हैं जी, ऊपर से नीचे तक यही उनका चरित्र है। हाँ जी, उनको और जी किसी और के बच्चों की चिंता नहीं है ना जी। हरियाणा में युवाओं में आपके साथ ऊर्जा और आपकी मेहनत, और आप जिस तरह से लोगों से जुड़ते हैं सर, उससे लेकर बहुत सम्मान है सर। देखिए, इस बार तो हमारे सोनीपत ने खेलकूद के मैदान में बहुत कुछ किया है, पैरालंपिक हो तो भी हमारे सोनीपत, ओलंपिक हो तो भी हमारा सोनीपत। हाँ जी, देखिए हरियाणा का नौजवान यानी सब कुछ कर सकता है, चाहे वो सेना हो, चाहे खेती का नया काम हो, चाहे खेलों का काम हो, हमें ये नौजवानों की शक्ति हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए लगानी है जी, पूरी ताकत जी, जी। नौजवानों को हमने, युवा वोटर्स और जो पहली बार वोटर बने हैं ना, जिनकी उम्र 18-20 साल है, उन्होंने तो ये कांग्रेस वालों के पाप पता ही नहीं बेचारों को, कितना भ्रष्टाचार करते थे, कितना भाई भतीजावाद करते थे, दलाली कैसी चलती थी, या तो दलाल या तो दामाद, यही वहां के सुनाई देता था हमेशा। हाँ जी, ये हाल जो है वो नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा। हाँ जी, युवा वर्ग तो कहूंगा कि सर। हाँ मुकेश जी, बताइए। युवा वर्ग जानता है, आज हरियाणा में नया बिजनेस, नई फैक्ट्री और रोजगार सिर्फ आप ला सकते हैं सर। देखिए, नौजवान तो पढ़ता लिखता है, सोचता भी है, उसको बताइए ये अपने बगल में हिमाचल का क्या हाल हुआ,
वोट पाने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने ऐसे कैसे वादे किए, ऐसे वादे किए जैसे हर घर के सोने की छत बना देंगे, ऐसे ही वादे किए और सरकार बनने के बाद हाथ ऊपर कर लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें की, अभी वहां हड़ताल चल रही है, वो सरकारी मुलाजिमों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सरकारी भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, अरे कई कई महीनों तक डीए नहीं मिला हुआ है, डीए अटका हुआ है, सड़क बिजली पानी स्कूल अस्पताल सब ठप पड़ा है। अरे इन्होंने तो वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, आज 2 साल हो गए, हिमाचल की महिलाएं कांग्रेस से इंतजार कर रही है। आपने सुना होगा लोकसभा में तो उन्होंने 1 जुलाई को 8000 रुपया मिल जाएगी कहा था, सब लोग जुलूस लेकर के उनके कार्यालय पर पहुंच गए। हाँ जी, तो ये कांग्रेस के झूठ क्या है और कैसे बर्बादी कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कैसी झूठ बोल सकते हैं, ये हिमाचल ऐसा उदाहरण है, आप वहां नौजवानों को जरूर बताइए। जी जी, एक और प्रधानमंत्री जी, मैं ये चाहूंगा एक बार अपनी रामराय वाली चाय वाली दुकान पाओ जी, एक बार चाय पी के जाओ जी। अरे पक्का आएंगे मुकेश जी, वहाँ मुझे ये एसपीजी वाले ऐसे परेशान करते हैं ना, मेरा पहले तो हरियाणा आता था, मस्ती से किसी की भी स्कूटर पे चला जाता था। हाँ जी, बस में चला जाता था, अब वो नसीब मेरा पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आपका प्यार, ये आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जींद में आप स्कूटर पर आ करते जी? जींद में मैं रखता था, हमारे रामेश्वर जी के घर जाता था सीधा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, झोला अपने रामेश्वर जी के यहाँ लटकाता था और फिर निकल पड़ता था पैदल। हाँ जी, हाँ जी, हम सुनते हैं जी ये बात जींद में जी। नहीं मैं जी वहाँ बहुत बहुत पहले बहुत जगह पे गया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ और अभी भी मुझे इतनी मीठी यादें हैं मेरे पास, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुकेश जी देखिए, मेहनत बहुत करनी चाहिए, ये बात पक्का है, चुनाव जीतेंगे, पूरी मेहनत करनी है बूथ जीतने के लिए। हर बूथ जीता है जी, बूथ जीतने का ही काम है। और आज मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, हजारों कार्यकर्ता आज मेरे साथ टेलीफोन पर जुड़े हैं, मेरा उनसे एक ही आग्रह है, बाकी जो भी काम आए वो करते रहिए, मोदी की तरफ से एक ही काम है, बूथ जीतो, पोलिंग बूथ जीतो, पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देना है। नौजवान वोटर भी हमें वोट करें, माताएं बहनें हमें वोट करें, बुजुर्ग हमें वोट करें, किसान हमें वोट करें, विश्वकर्मा योजना वाले जो गांव के अंदर रहते हैं वो सारे हमको वोट करें, पूर्व सैनिक हमें वोट करें, ये वातावरण हमको बनाना है जी। हाँ जी, चलिए मुकेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब आगे कौन मेरे से बात करेगा? राम राम जी। राम राम बिला। जी नमस्कार मोदी जी, मैं अजय खुंडिया बोल रहा हूँ, मैं अजय खुंडिया बोल रहा हूँ रोहतक से जी। अजय जी नमस्ते, कहाँ से? मैं रोहतक से। रोहतक से बोल रहे जी, हमारे एक हमारे चौधरी जयनारायण जी खुंडिया हुआ करते थे, मेरे दादाजी हैं जी। अच्छा, आप उनके पोते हैं? जी 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 जी, जयनारायण जी का तो मुझ पर बहुत प्यार रहा भाई, और मैं इस कोविड के समय भी मैंने समय निकाल के उनसे बात की थी। जी जी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने बात की थी। हाँ, मेरा बड़ा अच्छा संबंध रहा, वो हमेशा मेरी बड़े एक पिता की तरह मेरी चिंता करते थे। जी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, बताते हैं दादाजी, बताते थे अनेक बार स्कूटर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आपके साथ कहीं उनको भी जाने का अवसर मिलता था, घूमते थे। हाँ, मैंने काफी उनके साथ काम किया जी, दादाजी के साथ, तो इसलिए जी, जी। कोविड के समय थोड़ा समय था तो मैं सब पुराने लोगों से फोन करके बात करता रहा, तो मैंने आपके दादाजी से भी उस दिन फोन लगाया था। जी जी प्रधानमंत्री जी,
अच्छा अजय जी बताइए, आपका तो पूरा परिवार तीन तीन पीढ़ी भाजपा को समर्पित है और आपने तो सिर्फ भाजपा का झंडा बुलंद रखने के लिए तीन तीन पीढ़ी खपा दी है आप लोगों ने। जी, बहुत बड़ी सेवा की है आपके परिवार ने। इस चुनाव में क्या स्थिति है मुझे बताइए, क्या लग रहा है, बूथ पर कैसे काम कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक हमारा बूथ नंबर 131 है। आज तक भारतीय जनता पार्टी हमारे बूथ से हमेशा जीतती आई है। अब लोकसभा चुनाव में भी 687 वोट आए थे हमारे बूथ से जी, 787 वोटों में थे जी, सिर्फ 100 वोट हम पीछे रहे। कोशिश करेंगे अब की बार हम 100% बूथ को हम वोट डलवाएं जी अपने ही पक्ष में। देखिए, मैं तो जानता हूं जब जयनारायण जी थे तब से वो बिल्कुल बाकी सब काम वो मुझे कहते थे कि मोदी जी बाकी सब मैं करूंगा लेकिन मैं मेरे बूथ में कभी हारूंगा नहीं। और वो जितने जीवित रहे, छोटा चुनाव हो, वो जीत करके ले आते थे। ये मिजाज हमें पूरे हरियाणा प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं में बनाना चाहिए। और किसानों को, क्योंकि रोहतक का बेल्ट ऐसा है, जींद का बेल्ट ऐसा है, किसानों से बात पक्की कर लेनी चाहिए। देखिए, पूरे देश में 24 फसलों पर MSP देने वाला ये भाजपा सरकार ही दे सकती है। ये किसानों के बहुत पसंद आने वाली बात है और मैं चाहूंगा कि किसानों से भरपूर इस विषय में बातचीत होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा प्रांत 24 फसलों पर MSP दे रहा है, इस बात को लेके किसानों में जब चर्चा होती है तो बहुत से किसान ये कहते हैं कि ऐसा और अन्य कोई पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस के काल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों ने खुल के लोकसभा चुनाव में सुनारिया गांव में ये कहा कि हमारी जमीनें लूटने का काम किया है और सस्ते दामों में उन्होंने बेच दिया कहीं बाहर। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारा दलित समाज है, गरीब समाज है, वंचित समाज है, आपके नेतृत्व में और उस भाजपा शासन काल में अपने आप को भयमुक्त देख रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है जी। देखिए, आपको तो मालूम है, जयनार जी को पता है, उस जमाने में हमारे दलित समाज के भाई बहनों पर कितना जुल्म होता था और कितनी बड़ी घटनाएं होती थी और उनका मीडिया मैनेजमेंट ऐसा था कुछ बाहर नहीं आता था। और आज भी ये झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है और ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे मानो वो ही सत्य का अवतार है, वही जैसे राजा हरिश्चंद्र है, इतना झूठ बोलने में एक्सपर्ट बन गए हैं लोग। और नकाब पहन लेते हैं राजा हरिश्चंद्र का, और इसलिए घर घर जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करना पड़ेगा। दलितों पर, पिछड़ों पर कैसा अत्याचार करते हैं, अब ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। हरियाणा को पहली बार OBC चीफ मिनिस्टर मिला है, पहली बार पिछड़ा समाज से मिला है, लेकिन ये कांग्रेस वाले बोलेंगे नहीं। आप पूरे देश में जाकर के जाति 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 के गीत गाएंगे, मुस्लिम बस्ती में जाएंगे तो जाति का नाम भी नहीं देते हैं जी। और हरियाणा में तो बिल्कुल ताला लग गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जाति की बात बोलेंगे तो हरियाणा में तो कभी उन्होंने कभी पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और भाजपा ने एक अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया। और इतना नम्र, इतना सरल मुख्यमंत्री है कि उनकी हेकड़ी चलती नहीं उनके सामने। लेकिन ये बात हमें घर घर जाके बतानी पड़ेगी भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम और हमारी पूरी टीम और ये बातें हम घर घर जाके बता रहे हैं और इस बात का आपको आएगा जी। और क्योंकि हरियाणा का किसान, किस प्रकार से आपने उनको फसल बीमा के माध्यम से, उनके सीधे खाते में किसान सम्मान निधि के माध्यम से, और गरीब आदमियों के प्रति जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अनुसरण करते हुए जिस प्रकार से निरंतर हमारी भाजपा सरकार ने गरीब आदमी का जो उनका हक उनको दिया है, इस बात से लेकर के एक एक गरीब आदमी आज कमल के फूल के साथ खड़ा है जी। देखिए, ये तो मैं तो देखा हूं
हरियाणा में कभी ओले गिरते थे, प्राकृतिक आपदा होती थी, तो कांग्रेस सरकार मुआवजे दो दो रुपये के चेक देते, दो रुपये का चेक, और बहुत बड़ी शर्म आती थी। आज भाजपा सरकार ने 15,000 रुपये के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को बांटा है, और वो भी सीधा बैंक में जमा किया, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कंपनी नहीं। अब देखिए किसान सम्मान निधि, हमारे छोटे छोटे किसान है, हमारे दलित समाज में तो बहुत कम जमीन होती है, इन छोटे छोटे किसानों को भी किसान सम्मान निधि का पैसा लगातार मिल रहा है, और उनके खेती के जो प्राथमिक काम होते हैं सारे उसी से हो जाते हैं। जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसान के नाम पर जो बातें करते हैं, किसान को लूटने का काम करते हैं। जी माननीय प्रधानमंत्री जी, आज अनुसूचित जाति वर्ग जिन्होंने लोकसभा में एक बड़ा एजेंडा चलाया कि संविधान खतरे में है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज अब हम घर घर के जा करके एक एक परिवार में जा करके बता रहे हैं, और उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि संविधान खतरे में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं गरीब आदमियों के पक्ष में इतनी स्कीमें हम जा जाकर बता रहे हैं, और इस बात का रिजल्ट अभी हमारे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है अनुसूचित जाति वर्ग की, पीछे भी हमारे रैली हुई है 4-5 दिन पहले, जहां बिना बुलाए अपने आप बीजेपी के साथ आज गरीब आदमी खड़ा है। जी देखिए, हरियाणा में तो अनुसूचित जाति समाज ने हमें बहुत मदद की हमेशा, बस हमें उन तक पहुंचना है ये लोग, और ये इनको तो पेट में दर्द हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा कैसे बन गया, हरियाणा का मुख्यमंत्री पिछड़ा कैसे बन गया, और इसलिए ये झूठ फैलाते हैं ताकि उनको लगता है कि अगर ये पिछड़ों की इतनी ताकत बढ़ गई तो उनका क्या होगा, इसलिए ये सब खेल कर रहे हैं, इसलिए सारे झूठ फैला रहे हैं इन लोगों। जी और मैं तो किसान भाइयों से भी कहूंगा कि कांग्रेस से जवाब मांगे कि कांग्रेस ने कैसे कैसे जुल्म किए हैं, एमएसपी को लेकर के पहले कितना झूठ बोला है, और आज भाजपा सरकार कितना एमएसपी खरीद रही है, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब आप देखिए यूरिया, आज दुनिया के बाजार में यूरिया का बोरा 3,000 रुपये में मिल रहा है, भारत को भी उतने ही महंगा यूरिया बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन हम किसानों को 3,000 रुपये देने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, वो सारा यूरिया का इतना बड़ा पैसों का बोझ भारत सरकार अपने कंधे पर उठा लेती है, और सिर्फ 300 रुपये में, 300 से भी कम यूरिया का बोरा हमारे किसान को पहुंचता है, जबकि दुनिया के बाजार में 3,000 रुपये हो गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसान को मुसीबत हो। जी लेकिन ये बातें हमें किसानों को बतानी होगी, और उनसे जरूर जब कहना होगा कि भाई हम किसानों की भलाई के लिए, दलितों की भलाई के लिए काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और दलितों के नाम पर कांग्रेस के जमाने में जो जुल्म हुए थे उसका तो कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब आप देखिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, अब ये भी तो 2 साल पहले आए हैं, कर्नाटका में दलितों के कल्याण के लिए जो फंड था उसमें भी उन्होंने घोटाला कर दिया। जी यानी वो कोई मौका छोड़ते नहीं है, और सबसे ज्यादा वो दलितों को लूटते हैं। जी लेकिन अजय जी, पूरी मेहनत करनी है, और सबको एक ही प्रेरणा दीजिए, बस हमें पोलिंग बूथ जीतना है। जी और इन्होंने जितने झूठे वादे किए, आप देखिए जहां जहां उनकी सरकारें हैं एक भी वादा पूरा नहीं करते, और यहाँ हरियाणा में जाकर के बड़े बड़े भाषण जाड़ रहे हैं ना, उनको कहो ना कि भाई कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है तो मैं वहां लागू करने में कौन रोकता है, तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है वहां तुमको लागू करने में कौन रोकता है, तुम हरियाणा के लोगों के सामने झूठी बातें क्यों बोलते हो, पहले वहां करके दिखाओ ना।
तो कहते नहीं वो कर्नाटक वाला तो कर्नाटक वाला जाने तेल, हम तो हरियाणा की बात करेंगे, ज्यादा झूठ बोलते हैं ये लोग जी। अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, ये तो इनके रक्त में है और इसलिए हमें पूरी शक्ति लगा करके, और मेरा तो सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत लगानी है पोलिंग बूथ जीतने पर। अजय जी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि आप सबने चुनाव की आपाधापी और दौड़ धूप के बीच भी समय निकाला मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और मुझे भी पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिल गया। और जब मैं आज बात कर रहा था अलग अलग इलाके में, तो एक साथ मुझे हमें कई चेहरे भी याद आ जाते थे पुराने पुराने कार्यकर्ताओं के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आज वो पुराना नरेंद्र मोदी हरियाणा का कार्यकर्ता ऐसा ही बन गया था आपके बीच में। आपका प्यार हमेशा बना रहे, लेकिन मेरा हरियाणा के कार्यकर्ताओं से यही आग्रह है कि आने वाले 5-6-7 दिन जो भी अपने पास समय है, पोलिंग बूथ जीतने के और पोलिंग बूथ में वोटिंग के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं कुछ भी हो जाए मेरे पोलिंग बूथ में मैं झंडा झुकने नहीं दूंगा, ये अगर विश्वास देकर के हम चलेंगे। और हमें सब समाज को साथ लेके चलना है, सब वर्गों को साथ लेके चलना है, हमें युवा पीढ़ी का भविष्य बनाना है, हमें हमारे किसानों की शक्ति बनाना है, हमारी माताओं बहनों के सामर्थ्य को बढ़ाना है। और हरियाणा आज देश जो प्रगति कर रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा ले सकता है, दिल्ली से सबसे नजदीक आप लोग हैं और मैं तो हरियाणा वाला ही हूं एक प्रकार से, तो हम मिलकर के बहुत प्रगति कर सकते हैं, बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला। सब कार्यकर्ताओं से तो बात मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला और हरियाणा के गांव गांव घर घर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, भरोसा दिल से भाजपा फिर से। ये घर घर से जो आवाज आ रही है, जो विश्वास पैदा हुआ है, और आप जीतने वाले हैं मैं जानता हूं, लेकिन पोलिंग बूथ जीतना ही मेरी इच्छा है, हमें सब पोलिंग बूथ जीतना है। और आप पोलिंग बूथ जीतेंगे तो दुनिया की कोई ताकत चुनाव नहीं हरा सकती है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और जब भी मेरा आना का मौका मिलेगा आप लोगों से जरूर बात करूंगा। फिर एक बार मेरी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम